अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद देखना शुरू कर चुके हैं आप एशिया कप स्पेशल एपिसोड। और अगर ये टूर्नामेंट किसी टीम के लिए सबसे खराब हुआ है तो वो है टीम पाकिस्तान। इंडिया से जो हम मैच आ रहे हैं वो हम एकदम वन साइडेड आ रहे हैं। श्रीलंका वाले मैच में लक ने साथ नहीं दिया। इस एशिया कप में हम सिर्फ दो टीम्स को हरा सके, वो है नेपाल और बांग्लादेश, जिनको हराना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन टूर्नामेंट में मैचेज हारने का और बाहर होने का दुख तो हमने सह भी लिया था, पर ये दुख नहीं सह पा रहा है कि इस एशिया कप से हर टीम को कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिला सिवाय टीम पाकिस्तान के। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले क्या। इंडिया ने अपना बॉलिंग लाइनअप जो काफी टाइम बाद खेल रहा था उसे टेस्ट कर लिया और बॉलिंग लाइनअप ने रिजल्ट भी बढ़िया दिया। श्रीलंकन टीम अपने फ्रंट लाइन बॉलर्स के इंजर्ड होते हुए भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। इवन के बांग्लादेश के लिए भी ये टूर्नामेंट हमसे ज्यादा अच्छा रहा। उन्हें भी तौहीद रिदवाई और तंजीर हसन की शक्ल में दो बेहतरीन यंगस्टर खिलाड़ी मिले, पर हमें क्या मिला? इंजरीज और आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर, बस कोई फायदा नहीं है। हम एशिया कप में इंटर हुए थे नंबर वन ओडीआई टीम की एसएसएल, पर निकले एक लावारिस टीम की तरह। हमारा बैटिंग लाइनअप और स्पिन डिपार्टमेंट बुरी तरह एक्सपोज हुआ। फास्ट बॉलर्स को इंजरीज ने गले लगा ली। इंडिया पाकिस्तान मैच में हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजर्ड हो गए थे। नसीम शाह तो वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए। हारिस रऊफ की इंजरी भी लंबी जाने वाली है, उस पर अभी तक किसी ऑफिशियल रिपोर्ट का आना बाकी है। हमारा नंबर पांच का एक बेहतरीन ऑलराउंडर जो कि मैच फिनिश भी कर सकता था और बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सकता था, सलमान अली आगा इतनी बुरी तरह इंजर्ड हुए हैं कि उन्हें तो हम सिर्फ गेटवेल सून ही बोल सकते हैं। उनकी जल्दी वापसी तो एक्सपेक्ट भी नहीं की जा सकती। सारी इंजरीज में पाकिस्तान टीम के लिए सबसे क्रूशियल इंजरी नसीम शाह की होने वाली, क्योंकि वो हमारे ओडीआई सर्किट के सबसे काबिल बॉलर हैं। आज तक उन्होंने जितने भी ओडीआई मैचेस खेले हैं वो सिर्फ एक बार विकेट लेस गए, और सिर्फ ओडीआई ही क्यों, नसीम शाह हमारे ऑल फॉर्मेट सबसे बेहतरीन बॉलर हैं। ऐसे में उनकी इंजरी हमारी टीम के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। नसीम शाह पूरे ओडीआई वर्ल्ड कप के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज और यहाँ तक कि अगले साल के पीएसएल से भी बाहर हो चुके हैं। यानी कि इंजरी काफी सीरियस है, और सीरियस इंजरी से ज्यादा सीरियस ये है कि नसीम शाह की जगह हमारे पास कोई बैकअप बॉलर्स भी नहीं। मोहम्मद हसनैन इंग्लैंड में और अपनी रिहैबिलिटेशन मुकम्मल कर रहे हैं। हसन अली को फिंगर इंजरी हुई थी, वो रिकवर तो हो चुके हैं लेकिन रिदम में वापस आने के लिए उन्हें भी टाइम तो लगेगा। एहसान उल्ला जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में अपने पेस के लिए बहुत मशहूर हुए थे, उनकी अभी अभी लाहौर में एल्बो सर्जरी हुई है और उन्हें 2 महीने का बेड रेस्ट दिया गया है। मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान बॉलर तो अच्छे हैं लेकिन वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए वो लोग अभी भी नए ही हैं। ऐसे में मुझे तो धक-धक हो रहा है कि अपना जाने नसीम शाह को स्क्वाड में कौन रिप्लेस करेगा। जो रिप्लेस करेगा क्या वो नसीम की कमी थोड़ी भी पूरी करेगा या नहीं? नसीम शाह को कौन रिप्लेस करेगा इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जब अनाउंसमेंट होगी तो आपको इस चैनल पर बताने आएंगे। लेकिन आज खेला जाएगा इस एशिया कप का फाइनल। आर प्रेमदासा स्टेडियम में इंडिया और श्रीलंका आमने सामने होंगे। क्या श्रीलंका अपना टाइटल डिफेंड करेगा या इंडिया 8वीं बार एशिया कप अपने नाम करेगा? अपना ओपिनियन आप कमेंट करके बताएं। ये भी कमेंट करके बताना कि नसीम शाह को स्क्वाड में कौन रिप्लेस कर सकता है, आप क्या चाहते हो कौन रिप्लेस करे। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पर भी जरूर सलाम बोलना। सी यू टुमारो। पाकिस्तान जिंदाबाद।